देखो फाइनली आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। और मैं अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी के लिए ये बड़ा घर खरीदने आया हूँ। और ओहो मेरी रोल्स रॉयल कितनी ज्यादा चमक रही है। लेकिन यार अभी तक मेरा फ्रेंड नहीं आया, कहाँ गया? ओ भाई वो रहा, जल्दी आओ यार। अरे भाई अचानक से मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सबसे पहले तू ये घर देख और बोल कैसा लग रहा है, क्योंकि ये घर मैं अपने मम्मी पापा को गिफ्ट करूंगा। नहीं अरे भाई तू पागल है क्या? तू उन मम्मी पापा को गिफ्ट करना चाहता है जिन्होंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया और खाने तक के पैसे नहीं दिए, और तुझे तब से लेकर आज तक देखने तक नहीं आए। तू जिंदा है कि मर गया? अरे यार कोचिंग तो पढ़ लिया, लेकिन मेरे को आज बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है घर जाने से। और आज मेरे 10th क्लास का रिजल्ट आने वाला है और मैंने लिटरली यार कुछ नहीं लिखा था। ओ भाई टाइम तो हो गया रिजल्ट आने का, चलो देखते हैं। और ये डाला रोल नंबर। ओ भाई यार मैं तो फेल हो गया, और आसपास के लोग मेरा बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। और अगर मेरे पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? अरे पिंटू बेटा आज तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। अरे आंटी जी जब आएगा तो बता दूंगा ना यार, क्या फायदा जले पे नमक छिड़कना। भाई घर का दरवाजा तो बंद है, मम्मी पापा कहाँ गए? अबे नालायक पीछे तो देखा कर। ओ, आप दोनों पीछे क्या कर रहे हो? अरे पड़ोस की लड़की ने टॉप किया है, उसी के यहाँ लड्डू खाने गया था। और टॉप से तो याद आया आज तेरा भी तो रिजल्ट था ना। अरे पापा मैं नहीं, ओ रिजल्ट। अरे सीधा सीधा बोलना तू फेल हो गया। और तेरी वजह से हम दोनों कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई, तू पढ़ना क्यों नहीं चाहता? और हम दोनों इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, तुझे पढ़ाते हैं, लेकिन तू तो पढ़ना ही नहीं चाहता। ऐसी बात नहीं है मम्मी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। नहीं कुछ नहीं, निकल जा मेरे घर से और दोबारा कभी लौट कर मत आना, मैं तेरी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता। तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, लौट कर मत आना, चला जा यहाँ से। ठीक है जैसा आप लोग कहें, मैं दोबारा कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और जिसके बाद मेरे सभी दोस्तों ने मुझसे बातें करना छोड़ दिया और मुझे इग्नोर करने लगे। और एक दिन, अरे भाई वाह कितनी अच्छी हायाभूसा खड़ी है यार, एक दिन ड्राइव करने को मिल जाता तो क्या ही मजा आता। लेकिन छोड़ो ये अपनी किस्मत में कहा। और आज एक हफ्ते से ज्यादा हो गए, मेरे सभी कपड़े फट चुके हैं और मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। मैं क्या करूं, लगता है मैं आज मर जाऊंगा। लेकिन तभी सामने खड़ा आदमी मुझे बुलाता है और मैं भागकर उसके पास गया तो उसने बोला, अरे बेटा रो क्यों रहे हो? अरे अंकल जी मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है और मेरे घर वालों ने भी निकाल दिया है। अच्छा ये बात है तो मेरे पास आओ, मैं उस सामने वाले होटल का मैनेजर हूं और वहां जितनी भी गाड़ियां खड़ी है तुम जाकर सबको साफ करो, शाम को तुम्हें पेमेंट कर दिया जाएगा। और फिर मैं वहां जाकर उन गाड़ियों को अच्छे से साफ कर देता हूँ और फिर नहला देता हूँ, जिसके बाद शाम को मेरी पेमेंट मुझे मिल जाती है। और धीरे धीरे मैं कुछ पैसे ऐसे ही करके इकट्ठा कर लेता हूँ और मैं एक साइकिल की दुकान खोल लेता हूँ। लगभग 1 महीने के बाद मेरी सभी साइकिल बिक जाती हैं और पास में एक रेंट में रूम भी लिया रहता हूँ। और कुछ साल बाद मैं वहाँ पर साइकिल से बाइक शोरूम खोल लेता हूँ और कुछ ही महीनों में मैं उस बाइक के शोरूम को थार के शोरूम में बदल देता हूँ। और धीरे धीरे मेरा बिजनेस चलने लगता है तो मैं हर मॉडल की बाइक और हर तरह की कार रखने लगता हूँ। और आज मेरे बिजनेस को ग्रो हुए 4 साल हो गए और मेरी पूरी नेटवर्थ 50 करोड़ से भी ज्यादा है। और हाल में ही मैंने एक नई रोल्स रॉयल ली है जो कि इस सिटी में मेरे सिवा किसी के पास नहीं है। तो ड्राइवर क्या हुआ, चलें ऑफिस? सर आज आप अकेले चले जाते तो ठीक रहता, मेरी माँ की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो ठीक है कोई बात नहीं, ज्यादा दूर है नहीं तो मैं खुद ड्राइव करके चला जाऊंगा, चलो। यार ड्राइवर की माँ से कुछ याद आया, क्यों ना अपने माँ बाप को कुछ गिफ्ट दिया जाए, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तो सबसे पहले चलो ऑफिस में सारा काम निपटा देते हैं फिर चलते हैं। तो ऑफिस तो पहुँच चुके हैं। ओ भाई गाड़ियाँ तो बाहर लगी हुई है, मतलब वर्कर जल्दी आ गए। तो ये रहा फाइनली मेरा ऑफिस जो मैंने 4 सालों में इतना बड़ा बनाया हुआ है। तो ऑफिस का काम तो खत्म हो गया है और कल मेरी मम्मी पापा का एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये बड़ा सा घर उन्हें दे दिया जाए। तो चलो चलते हैं आज 5 साल बाद उनसे मिलने। यार इस गांव में तो मैं पहुंच चुका हूँ भाई, वैसे का वैसा रह गया, कुछ नहीं बदला यहाँ। भाई घर का दरवाजा तो बंद है, कोई है नहीं क्या? अरे कौन हो बेटा, यहाँ क्या करने आए हो? अरे पापा आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं पिंटू। अरे जी हमारा बेटा पिंटू आया है। अरे बेटा उस दिन घर से क्या निकाला तुम, तो यार सचमुच वापस नहीं आए। अरे पापा ये सब छोड़ो, आप बस गाड़ी में बैठो, मुझे आपको कुछ दिखाना है, इसलिए मैंने आपके लिए आपकी मन पसंदीदा थार लेकर आया हूं। अच्छा बेटा ये बताओ ये थार और वो रोल्स रॉयल तुम्हारी है क्या? हाँ जी पापा मेरी है। ओ जी हमारा बेटा तो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया है लगता है। लो पापा मम्मी पहुंच गए, और आप जो ये सामने गाड़ियों का शोरूम देख रहे हो ये भी मेरी है। अरे बेटा तूने मेरे को ये किसके घर पे ले आया? अरे पापा पहले गाड़ी से उतरोगे तब आपको पता चलेगा। 1 2 3 हैप्पी एनिवर्सरी पापा मम्मी, इसलिए मैंने आप दोनों के लिए और हम सबके लिए ये बड़ा सा घर लिया है, आपको उस छोटे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। अरे बेटा तू कितना अच्छा है, हम दोनों ने कुछ नहीं समझा और फालतू में तेरे को घर से बाहर निकाल लिया, इसके लिए सॉरी। अरे पापा पुरानी बातों को भूलो और नए घर में चलो आप दोनों। अरे और क्या, अब हमारा बेटा इस सिटी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और अमीर आदमी जो है, क्यों नहीं चलेंगे।
देखो गाइस, इस सिटी का मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन और सबसे अमीर आदमी हूँ। और आज वो मेरे पास सब कुछ है जो मैं कभी सपने में देखा करता था। लेकिन अगर मेरे बाबा अपने मेरे को घर से नहीं निकालना होता तो शायद ही मैं आज इतना बड़ा अमीर आदमी बनता। इसलिए तुम अपने माँ बाप और अपने घर के बड़ों का रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कभी भी गलत नहीं सोचेंगे। और साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। और क्या मुझे ऐसी ही स्टोरी वीडियो बनानी चाहिए, कमेंट करके बताओ। और अगर तुम मुझसे बातें करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन है, आ जाओ। कि मैं चला 100 करोड़ की डील करने। बाय।